बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ्यू हेडन ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कह रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अब पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 होगी और इस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसी तब्दीलियां भी होंगी, न्यूजीलैंड को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इसके अलावा आपको मुकम्मल पूरा इंटरव्यू दिखाया जाएगा। आगे प्लेइंग 11 के बाद आपको इंटरव्यू दिखाते हैं किस तरह मैथ्यू हेडन ने प्लेइंग 11 बताई और ये भी कहा कि न्यूजीलैंड को सिडनी में इबरतनाक शिकस्त देंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच होगा, उसके बाद भारत का होगा। पहला सेमीफाइनल मैच सिडनी में होगा जबकि 9 अक्टूबर को होगा और 1:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होगा। मैथ्यू हेडन की प्लेइंग 11 में बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के बाद इफ्तिखार अहमद, फिर उसके बाद शान मसूद, उसके बाद हारिस रऊफ के बाद शहीन अफरीदी, फिर उसके बाद वसीम जूनियर, फिर नसीम शाह, ये चार बॉलर होंगे और दो स्पिनर नवाज़ और उसके बाद शदाब खान। मैथ्यू हेडन ने कहा कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि 9 नवंबर को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 11 अक्टूबर को खेला जाएगा तकरीबन 1:00। ये हैं दो सेमीफाइनल और मैथ्यू हेडन ने यही प्लेइंग 11 अनाउंस की थी सेमीफाइनल के लिए।